डॉक्टर आस्था, Krasta. How are you doing? Very well, sir. Looking chic Thank and you. professional. Ekdam <laughs> pick pack and smart. Very good to see you. Very, very good to see you. I still remember classes में आपको देखा करते थे कई बार तो ऐसा हुआ है आस्था को बोलने पहले सॉरी फिर से आस्था आई एम सॉरी डॉक्टर आस्था डॉक्टर आस्था के सामने कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोचना पड़ता था क्योंकि डॉक्टर आस्था चलती फिरती लाइब्रेरी हुआ करते थे राइट right? एकदम से कुछ भी करेक्ट कर दिया करते थे क्या कमी रह गई तैयारी हमेशा सर मुझे ऐसा ही लगता था की मेरा कुछ ना कुछ छूट ही गया है फिय ऑफ कवर मुझे सब कवर एक साथ ही करना था ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो किया है मैंने वो कम्प्लीट करना था भाई डॉक्टर तो राव साहब क्या लगता है जैसे जब आप अंडर ग्रेजुएशन में तैयारी कर रहे थे राइट उस समय आप कितनी देर पढ़ लिया करते थे कितने क्वेश्चन उस समय कर लिया करते थे या उस समय थ्योरी पे फोकस रखते थे क्या करते थे सर आ, स्टार्टिंग में तो थियोरी पे ही फोकस रखते थे एमसीक्यू इतने नहीं करते थे फर्स्ट फर्स्ट फर्स पार्ट में तो जब यूनिवर्सिटी की हमारे एग्जाम थे उसी हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करते थे

ऑफलाइन क्लास करवा थे, इंडिया से ही के तो नोट्स तो में बहुत बेज, बेज क्लास करवा के अच्छा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में क्या अंतर लगता है आपको कौन सा बेटर लगता है किस किस हर एक अपने फायदे अपने नुकसान है ऑफलाइन में क्या बेटर लगता है आपको ऑनलाइन से या ऑनलाइन में क्या बेटर लगता है ऑफलाइन से ऑनलाइन में सर ऐसा है कि हम अपने हिसाब से अपने टाइम से जो convenience, भी कन्वीनियंस और ऑफलाइन ऑफलाइन सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत होता है सब याद आता है जैसे प्रतीक ने बोला वीडियो हमें ऐसे सर सामने दिखाई देते हैं कि नहीं सर सर ने ऐसा बोला था आपने जैसे समझाया था मुझे आप ऐसे दिख रहे थे एग्जाम में कि नहीं आपने ऐसे खड़े हो कैसे कई बार जैसे क्या होता है करेक्शन का स्कोप होता है राइट right? क्वेश्चन में वो मैं और आप अगर सामने सामने बैठे हैं तो हम लोग पूछ लेते हैं एक दूसरे से फाइन आपको याद होगा टेस्ट एंड डिस्कशन जब सर्जरी का हुआ था तो थर्ड डे पे हम लोग मार्जिन ऑफ एक्सटेशन पे फंस गए थे एक बार पेज फंस गया था कि मार्जिन ऑफ एक्सेशन वन सेंटीमीटर होना चाहिए नई गाइडलाइंस आई थी

कोई कोई बार आ जाते थे सेवेंटी एटी लेकिन वो बहुत ही टफ था और उसकी वजह से एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारी बहुत हो गई थी स्पीड भी इतनी आ गई थी क्योंकि हमने बहुत एमसीक्यू किए थे साथ में स्टिल एक एक दिन में आपका जो टेस्ट एंड डिस्कशन का बैच होता था पर सब्जेक्ट दो सौ ढाई सौ के आसपास क्वेश्चन क्लिनिकल ऑलमोस्ट हाँ डिस्कस हो जाया करते थे सुबह से लेके शाम तक राइट yes, तो जो जो उसमें स्कोर रहा आपका एग्जाम में आपका स्कोर कितना रहा मैं सॉरी स्कोर पूछना भूल गया

सर, तो कोई मुकाबला नहीं उनके सामने सर, तो सब फेल <laughs> okay. so क्या लगता है उसमें जैसे सर्विसेज सर ने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके साथ उस समय अप्रोक्सीमेटली uh, 400 जितने फोर फॉर इन यस सर क्योंकि दो बार हुआ था एन टी का मैम okay. यस सर आज सर, yes, सर पीडिया और पीडिया में बहुत ही उन्होंने क्वेश्चन करवाए बहुत सारे अच्छा कई बार कुछ ऐसा होता है टेस्ट एंड डिस्कशन में जो क्वेश्चन आप करके गए सीधा का सीधा एग्जाम में वैसे का वैसे ही आ गया बिल्कुल यस सर ऐसे बहुत ही लाइक फिजियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही आ गए और मेडिसिन में भी सर ने बहुत बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे जो आसपास के लाइक क्वेश्चन पैटर्न सेम ही था थोड़ा बहुत फर्क था लेकिन बहुत सारे आ... लाइक like, मैंने पढ़ा हुआ, ऐसा मुझे लगता था कि एक बार मैंने देखा हुआ है, ये, हुआ है है करा पॉलिशिंग की तरह हो गया थ्योरी में आपने पढ़ लिया पहले काफी क्वेश्चन उसमें से सेम आ गए yes, मैंने डॉक्टर uh, प्रतीक है आपके यूनिवर्सिटी से उनसे भी पूछा था कि क्या लगता है कि ये बारे जो टेस्ट एंड डिस्कशन बैच था जो भी आपने रिसेंटली दिया

तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गया दैट हाँ, प्रैक्टिस अच्छा हो गया काफी सारे लोग अब आपके जूनियर हैं जूनियर बैच आपकी यूनिवर्सिटी से भी आएंगे बाकी यूनिवर्सिटी से भी आएंगे कुछ दो तीन चार पॉइंट्स दो तीन चार बातें उनको बताना चाहेंगे जिससे उनको क्लियर करने में थोड़ी सी आसानी हो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बेस क्योंकि अब सारे इंटीग्रेशन so वाले तो मुझे लगता है जी

क्या रेकमेंड करेंगे कहाँ से पूछें वो कहाँ से पढ़ें सर मैं तो ऐसा ही बोलूंगी कि फर्स्ट जब जहाँ आपने स्टार्ट किया है जैसे कि मैंने सर्जरी आपसे पढ़ा हुआ था तो मैंने अपने नोट्स आपसे ही बनाई थी तो फिर वो चेंज नहीं करना चाहिए उससे ही रिवाइज बार बार करना चाहिए हुँ, हुँ. सोर्स का भी चेंज नहीं करना उस रिविजन ही करना है सिर्फ उसका पहले That's से पढ़ा हुआ है आपका क्या प्लान है अभी पीजी करेंगे नेचुरल सी बात है